لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. जिंदगी के बेशुमार वाकयात ऐसे हैं कि आदमी चाहता और अगर इसी तर्ज को अपनाएगा तो हमेशा मायूस रहेगा, गमजदा रहेगा, दायमी तकलीफ रहेगी। और जो अल्लाह ने हजारों नेमतें दी हैं कुछ न दिया तो यूं ख्याल कर लो, मैं वो क्यों ना चाह लूं जो मेरे अल्लाह चाह रहे हैं। तो किसी चीज़ का मिलना मिलना किसी भी लिहाज से और तुमसे किसी भी शक्ल में है, तो हाँपते हाँपते वहाँ पहुँच भी गए तो कोई उससे आगे भी तुम्हें अपने से आगे नज़र आएगा। फिर दौड़ते दौड़ते वहाँ पहुँचोगे, फिर कोई तुम्हें ऐसा ही नज़र आएगा। कब तक हाँपते रहोगे? कुछ नज़र इधर भी उठा लो कि जो अल्लाह ने तुम्हें दे रखा है वो लाखों करोड़ों से बेहतर दे रखा, शुक्र आएगा। और जो नेमते हैं उससे लुत्फ उठाओगे, जिंदगी का लुत्फ आएगा। बेशुमार वाकयात ऐसे होते हैं, कहीं दरख्वास्त दी, कहीं पैगाम भेजा, कहीं कदम उठाया, वहाँ नहीं हुआ जो इसकी पसंद थी, वो मामला नहीं हो पाया। दूसरी जगह डाला, बात हो गई। अब पहले को गम लिए बैठ जाए, तकलीफ रहेगी, दुख रहेगा। तो जिंदगी की खूबसूरती इसमें है कि ये ना ख्याल करो कि जो हम चाहें वो हो जाए, जो हो रहा है वो चाह लो, इसलिए कि वो हो रहा है जो अल्लाह चाह रहा है। जो हो रहा है वो चाह लो। एक आदमी दस्तरखान पे बैठा और कुछ चीजें दस्तरखान पे ऐसी हैं जो वो नहीं खा सकता। एक तो मायूसी के साथ खाना खाए कि मैं ये क्यों नहीं खा सकता, तो बताइए ये खाना मायूसी के साथ खा रहा है, इससे इसकी बीमारी में कोई फायदा होगा? और एक ये है कि जो अल्लाह ने दे रखा है, कितने ऐसे हैं जो ये भी नहीं खा सकते, तो लज्जत के साथ खाएगा ना, खुशी के साथ खाएगा ना, मुसर्रत के साथ खाएगा ना, दस्तरखान पे रखी नेमतों से लुत्फ उठाएगा ना। इसी तरह जिंदगी के दस्तरखान पे कुछ होती हैं कुछ नहीं होती। अब उन्हीं को लेके बैठ जाए जो इस दस्तरखान पे नहीं है, जिंदगी के दस्तरखान पे, तो मायूस रहेगा, दुखी रहेगा, दायमी अफसुर्दगी रहेगी। और एक ये कि जिंदगी के दस्तरखान पे जो रखी है, कितने ऐसे हैं जिसके पास ये भी नहीं है। तो मौजूद नियमतों से लुत्फ उठाएगा, लज्जत पाएगा, यही तो नहीं है। इसी अंदर की भूख ने तो आज इंसान को बेचैन कर रखा है, परेशान कर रखा है, मायूस कर रखा है। इसी अंदर की भूख ने, और ये भूख बढ़ती है इसलिए कि हमेशा अपने से ऊपर का स्टेटस देखता है, ये आग और भड़कती है। और ये भूख सुभान अल्लाह
गिना से बदल सकती थी, ये भूख गिना से बदल सकती थी कि आदमी अंदर से मुतमाइन रह सकता था जब अल्लाह के नबी के इस उसूल पे अमल करता कि उसे देख लो मियाँ जो तुमसे कमतर है, शुक्र की तौफीक हो। अंदर से दिल कहेगा अल्लाह इतना दे रखा है और मेरी नालायकियों के बावजूद दे रखा है, मैं तो इसका मुस्तहिक ही नहीं था, अल्लाह तआला शुक्र। ये शुक्र गुजार चटाइयों पर भी और झोंपड़ियों के अंदर भी मुतमईन रहेगा। और सच कह रहा हूं, अगर अंदर की ये भूख ना मिटे और यहां अंदर से शुक्र ना निकले तो नेमतों के पहाड़ ही क्यों ना हो तब भी इसे अंदर की भूख परेशान रखी। तो अल्लाह की नेमतों पे शुक्र हो, ऐसा कभी नहीं होता जो बंदा चाह ले दुनिया में वही हो जाए। ये दुनिया अल्लाह ने ऐसी बनाई नहीं है, इसके लिए अल्लाह ने एक और जहान बना है, वलकुम फिया मा तश्तही अनफुसकुम, जो तुम चाहोगे वो हो जाएगा, वो एक और जहान है, जो तुम चाहोगे वो हो जाएगा। ये जहान क्या है? ये जहान तो है जो मौला की मर्जी है वो मेरी चाहत बन जाए, उस पे अंदर से शुक्र निकले, अल्लाह तआला शुक्र, अल्लाह तआला शुक्र। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, ये शुक्र ऐसी जबरदस्त इबादत है, ऐसी जबरदस्त इबादत है कि अल्लाह ने खबर दी है और अल्लाह ने बशारत दी है, ये शुक्र करने वाला मेरे अजाब से महफूज हो जाए। मा यफालुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम वा आमनत, मुझे क्या पड़ी तुम्हें अजाब दूं। ये शुक्र ऐसी नेमत है, ऐसी इबादत है, इसकी बदौलत आदमी की अल्लाह की तरफ से मिली हुई नेमतें महफूज हो जाती हैं, आदमी उनसे लुत्फ उठा सकता है। और फरमाया अश्शुक्र कैदुल मौजूद व सईदुल मफकूद, शुक्र तो ऐसी बढ़िया इबादत है जो नेमतें हैं वो महफूज हो गई, और जो नेमतें नहीं है शुक्र उन्हें शिकार करके इसकी झोली में डाल देता है। अश्शुक्र कैदुल मौजूद व सईदुल मफकूद, इसलिए शैतान मुसलमान को इस इबादत से महरूम देखना चाहता है। لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, मैं हर तरफ से इसे हटाऊंगा तेरे रास्ते से और आप शुक्र गुजार बंदे नहीं देखेंगे। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, जिसकी जिंदगी में शुक्र नहीं यकीन कर ले कि शैतान का वार चल गया। हर एक के सामने शिकवी शिकायत, अंदर से भी शाकी और हर वक्त शिकवा शिकायत जबान पे, समझ रहे शैतान की तदबीर कामयाब हो गई। और शैतान की तदबीर क्या कामयाब हो गई? अल्लाह की रहमत से दूर हो गया, वो जो नेमतों का दरवाजा खुला था वो बंदिश हो गई। भाई बंदिश, लोग कहते हैं किसी ने बंदिश कर दी, अरे मैं तो ने खुद ही बंदिश कर रखी है। जब तेरे घर में शुक्र ही नहीं है तो बंदिश ही होनी है ना, जब तेरी जिंदगी में शुक्र ही नहीं है तो फिर रुकावटें ही होनी है ना। शुक्र की जिंदगी लेके आ, फिर देख कौन बंदिश कर सकता है। मा यफ्तह अल्लाह लिन्नास मिन रहमतिन फला मुमसिक लहा, इसलिए कि जब वहां से दरवाजे रहमतों के, बरकतों के, नेमतों के खुलेंगे फिर कौन है जो इसे बंदिश बंद कर दे। लेकिन अगर फैसला वहां से बंदिश का हो गया फिर कौन खोल सकता है? अला लहुल हुक्म, फैसला उसका चलता है। अला लहुल हुक्म, फैसला उसी का चलता है।
हुक्म उसी का है। वमा बिकुम मिन नेमतिन फमिन अल्लाह, जो भी नेमत है ना वो अल्लाह के खजाने से आ रही है, तो उन नेमतों से लुत्फ उठाना है, उन नेमतों के लिए दरवाजा खोलना है। फरमाया जो अल्लाह ने दे रखा शुक्र बजा लो, और ये भी कोई शुक्र नहीं है भाई, ये भी कोई शुक्र नहीं है कि बेटा बाप का बड़ा शुक्र गुजार हो, सिर्फ जबानी। और अब बाप जब कहने के लिए कहे तो अब्बा से कहे ये तो मैं नहीं कर सकता, ये तो मैं नहीं कर सकता। वालिदैन की इताअत कोई ना हो तो ये भी कोई औलाद माँ बाप की शुक्रगुजार नहीं है, ये भी कोई औलाद एहसान शनास नहीं है। इसलिए कि जहां शुक्र होता है वहां तो मोहसिन की मोहब्बत आती है, जहां शुक्र आता है वहां तो मोहसिन की मोहब्बत और अजमत आती है, इताअत का जी चाहता है। सुभानअल्लाह, जिस मुसलमान की जिंदगी शुक्र पे होगी वो अल्लाह की तो मोहब्बत की लज्जत पाएगा, और फिर अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह की हुक्म की तामील में लुत्फ पाएगा। ये कोई शुक्र नहीं है कि एक नेमतें उसकी इस्तेमाल करे और उन नेमतों में अल्लाह की नाफरमानी करे, ये एहसान फरामोशी है, ये तो एहसान फरामोशी है। इसलिए कि जहां शुक्रगुजारी होती है, जहां एहसान शनासी होती है, उसके लिए दिल में मोहब्बत होती है, दिल में उसके लिए जगह आ जाती है। आदमी का यह ख्याल हर वक्त रहे कि ये शख्स मेरे ऊपर बड़ा मेहरबान है और मेरा बड़ा मोहसिन है, तो बताइए ना, दिल उसकी तरफ खींचता है, उसकी मोहब्बत दिल में जगह बना लेती है। और जब मोहब्बत आ जाती है, जी चाहता है कुछ कहे तो सही, इसका दिल खुश कर दो, कोई हुक्म तो दे इसकी मान के इसे राजी कर लूं। तो अल्लाह की नेमतों का शुक्र आ जाए तो क्या मतलब, अल्लाह की बंदगी आ जाती, अल्लाह की इताअत आ जाती है, अल्लाह की मोहब्बत आ जाती है, शुक्र से फिर नेमतों के दरवाजे खुलते हैं। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, शुक्र करो और ले लो, शुक्र करो और ले लो, शुक्र करो और ले लो, शुक्र करते चले जाओ, नेमतें बढ़ाते चले जाओ। और कभी नेमतें कैमियत में बढ़ती हैं, एक से दो हो जाती हैं, दो से तीन हो जाती हैं, तीन से चार हो जाती हैं, और कभी कैमियत में नहीं बढ़ती, कैफियत में बढ़ जाती है। एक नेमत है, छोटी सी नेमत है, लेकिन वो हजारों नेमतों पे भारी हो जाती है। वो हकीम है, वो अलीम है, कभी गिनती में बढ़ा दे, कभी मजे और लुत्फ में बढ़ा दे। घर तो छोटा ही है लेकिन ऐसा है ऐसा लगता है जन्नत में चला गया, एकड़ों पे फैला हुआ है लेकिन ऐसा लगता है आग की भट्टी है, जाने का दिल ही नहीं करता। तो जिंदगी शुक्र से लजीज बनती, शुक्र के बदौलत आदमी का अंदर हमेशा मुतमईन रहता। बस औकात में अजीजो ख्याल नहीं रहता, और अंदर एक किसी चीज के न मिलने पर तकलीफ से हो जाती है। तो हमेशा अपने नबी का इरशाद रहा रखो, फौरन उसका ख्याल रखो जो तुमसे कमतर है। एक शख्स मस्जिद से बाहर निकला, ख्याल था अल्लाह का हुक्म पूरा किया है, बुजुर्गी की है, निकला तो चप्पलें गायब हैं। ख्याल आया बंदगी भी हम कर रहे, चोरी भी हमारी हो गई। अल्लाह के शान गेट पे खड़ा एक आदमी नजर आया जिसकी एक टांग ही नहीं थी, फौरन दिल से शुक्र निकला, अल्लाह चप्पलें गायब है, टांग तो सलामत है। कुछ माश का मसला है ना, अरे मियाँ जिस्म में रखी नेमतें कोई मामूली हैं? सेहत की दौलत कोई छोटी दौलत है? कोई लाखों करोड़ों के अंदर भी अपनी आंख देने के लिए तैयार होता है?
जो गोयाई दे रखी है, समात दे रखी है, बिनाई दे रखी है, जिस्म के आजाद सलामत हैं, अम्मा के पेट से बगैर आजाद की सलामती के आते क्या कर सकते थे? सारी जिंदगी रींगते रहते, बिन देखे हसरत के साथ चला जाते, अपने प्यारों पर नजर ही ना डाल पाते, अपने प्यारों के मीठे बोलों की लज्जत ही समात ना होती तो ना सुन पाते। अनगिनत नेमते हैं मेरे अजीजो, वही तो नेमत अल्लाह इला तुहसुहा, जमीन के पत्ते, जमीन के छाती पे लगे दरख्त के पत्ते तो गिन सकते हो, समुंदर और दरिया के कतरे तो गिन सकते हो, आसमान नुमा छत पे सितारे सयारे तो गिन सकते हो, अल्लाह की नेमते नहीं शुमार कर सकते। लेकिन शैतान नेमतों का दरवाजा बंद करता है, बंदिश लेके आता है, मायूस कर देता है, नशुकरी पे डाल देता, नशुकरी पे डाल देता, दायमी अफसुर्दगी। अरे मियां, तुम्हारे इस तर्ज अमल से तुम्हारी बीमारी खत्म हो जाएगी, तुम्हारी मायूसी, तुम्हारी तकलीफ खत्म हो जाएगी। शुक्र करोगे तो उस तकलीफ के अंदर भी जो अल्लाह की हजारों नेमतें हैं उसे लुत्फ उठाओगे। एक के यहां कोई माशी नुकसान हुआ, दूसरा आदमी ताजियत के लिए गया, चोरी हो गई, कहा अल्हम्दुलिल्लाह माल चोरी हुआ है, वो भी थोड़ा सा, इससे ज्यादा भी हो सकता था, माल ही गया है, इज्जत सलामत है, जिस्म सलामत है, सेहत सलामत है, माल थोड़ा सा गया है, बहुत माल बचा हुआ है, सेहत भी महफूज है, सेहत भी महफूज है, जान भी, इज्जत भी महफूज है, और सबसे बढ़कर अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने ईमान सलामत रखा हुआ, माल का नुकसान हो गया, अल्लाह ये नजर नसीब फरमा दे, अल्लाह ये नजर नसीब फरमा दे, वरना जिंदगी नाम ही ऐसा है, कभी खुशगवारी कभी नागवारी, ये आएगी, लेकिन इस नागवारियों में जिंदगी खुशगवारी के साथ गुजारना अंदाज क्या है, जो है उस पे शुक्र करो, और जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए चाह लिया है दिलो जान से उस पे राजी हो जाओ। हकीम जो है, माँ भी तो बस औकात केला नहीं देती, और बस औकात कुल्फी नहीं देती, और बस औकात क्रीम नहीं देती, और उसके बदले में सेब दे देती है, सेब दे देती है। और ऐसा भी तो होता है, नहाना भी नहीं चाहता, कपड़े भी नहीं बदलना चाहता, अम्मी निलाती भी है, कपड़े भी पहनाती है, रोता भी है, लेकिन सभी जानते हैं माँ मेहरबान है, उसमें शफकत है, उसमें इसके लिए बड़ी मसलहत है, वो इससे बड़ा प्यार करती है, मेल कुचेल दूर करके इसे चमकाना चाहती है। कभी अल्लाह ऐसा भी तो करते हैं कि तुम्हारी मन पसंद की तो ना मिली, लेकिन तुमने उस पर सबर करके अल्लाह के फैसले पे राजी हो गए, अल्लाह तुम्हें कल चमका देगा, कल तुम चमक जाओगे। वो हकीम जात है, वो रहीम जात है। तो मेरे अजीजो, बड़ी खूबसूरत जिंदगी है, बल्कि सच है बड़ी खूबसूरत मौत है, बल्कि सच है जीना उससे ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया जन्नत में एक ही इबादत होगी, वो शुक्र की इबादत होगी। वकाल अल्हम्दुलिल्लाह, जन्नती जब जन्नत के नेमते देखेंगे तो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमें ये शुक्र की जिंदगी नसीब फरमा दे तो नेक शगुन है कि इंशाल्लाह जन्नत की ये इबादत भी नसीब हो जाएगी। तो जीना मरना खूबसूरत हो सकता है, अल्लाह जिंदगी शुक्र वाली नसीब फरमा दे। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।